চলতি বছর জুন মাসের 2 তারিখ বিহারের পাটনার বাসিন্দা 10 বছরের মুখবধির শিশু নীরজ কুমার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজির পর স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করে। পরবর্তীতে হ্যাম রেডিও সংস্থা মুখবধির শিশুটির খোঁজ খবর পায় হিঙ্গলগঞ্জের স্থানীয় সূত্রে। এরপর হিঙ্গলগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে শিশুটির পাটনার স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করা হয় পরিবারের সাথে। এরপর তড়িঘড়ি পাটনা থেকে পরিবারের লোকজন শিশুটিকে ফিরিয়ে নিতে হিঙ্গলগঞ্জ থানায় গেলে তাদের জানানো হয়, লোকাল পঞ্চায়েত স্তরে উপযুক্ত প্রমাণ নথিপত্র নিয়ে ইমেল মারফত জেলা বারাসাত কিশলয় হোমের সাথে যোগাযোগ করতে। পরিবারের লোকজন পাটনায় ফিরে যায় এবং উপযুক্ত প্রমাণ সহকারে ইমেল মারফত বারাসাত কিশলয় হোম কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানায়। সোমবার সেই মতো শিশুটির পরিবার সকাল 6টার সময় হাজির হয় বারাসাত কিশলয় হোমে। দীর্ঘ 9 ঘন্টা পর অবশেষে শিশুটিকে ফিরে পেল অসহায় পরিবার। ঘর সে নিকাল গিয়া, ঘর সে 2 জন কে নিকাল গিয়া, ট্রেন ধর কে মানে চলা আয়া বঙ্গাল। আমরা কলকাতা পুলিশ ওয়ালে নে হোম রেডিও ওয়ালে সে মেসেজ মিলা থানা কে অনুসার মিলা তো ফির ওই লোকেশন সে আয়ে ফির হুয়া থানা গয়ে তো থানা ডাল দিয়া ইয়া চাইল্ড হোম মে आज बच्चा मिला था, छुड़ा के लेके जा रहे हैं घर। पता कहीं चला, ये पता चला कलकत्ता होम रेडियो वाले से। कलकत्ता होम रेडियो वाले हमारा थाना को खबर किया, थाना किया हमारा खबर। कितना टाइम शाम के 6 बजे घर से निकल गया था 2 जून का। हम नीरज के पिताजी हैं, रविंदर प्रसाद। आज मिल गया बच्चा? हाँ, बच्चा हैंड ओवर हो गया। अब क्या बाड़ी लेके जाए? अब घर लेके जाएंगे। गंगा बह रहा था, ट्रेन भर के अपना निकल गया। कितने साल पहले ये? 2 जून के घर से फरार हो गया। उसके बाद आप लोग क्या किए? थाना में कंप्लेन डाले, फिर मैंने यहाँ कलकत्ता पुलिस वाले ने हेम रेडियो वाला मैसेज दिया, फ़ोन किए, वही लोकेशन के सहारे आए बंगाल हिंगलगंज थाने गए। हम लोग को हैम रेडियो वाले बहुत मतलब मदद किए। उसके बाद मैंने हिंगलगंज थाना से फिर चाइल्ड होम बरसत नगर में ला के डाल दिए। इसमें तो बोल भी नहीं पाता है, मैं गंगा बहरा है। इसके हाथ में एड्रेस ये पुलिस को आपके एड्रेस कहाँ से मिले? इसके पास हमारा एड्रेस मैंने अपना धनरिया थाना से मिला तो फिर हाथ में लिखा हुआ है। हम रेडियो वाले से बात किए तो बताया कि बंगाल हिंगलगंज थाना में है। इसके बाद आज आपको इसको वही लोकेशन के सहारे यहाँ पहुँचे। पुलिस के साथ बातचीत हुआ? हाँ, बातचीत हुआ पुलिस के साथ। अब इसको घर ले जाना है? अब घर लेके जा रहे हैं। कितने दिन हुआ ये खो गए थे? 1 महीना। आज की तारीख है? 18 तारीख 2 जून से फरार है। 1 महीना 16 दिन हो गया। इसके बाद आप इसको वापस आपके पास आएगी? आ गया आप क्या बोलना है? बोलना कि घर लेके जा रहा, हमारा बच्चा है, घर लेके जा रहा है। खुश रह गए? खुश है ना, तो दिल खुश हो गए। खुश है ना, तो बच्चे मन मिल गया तो खुश नहीं रहे। हम रेडियो वाले बहुत ठीक मदद। आपका नाम क्या? रविंद्र प्रसाद। आप इसके पिता हैं? क्या हुआ, क्या बात? ये सर, हम लोग पटना से आए हैं, बिहार से। हमारा एक बच्चा 2 जून को घर से निकल के आ गया था। वो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है। नीरज कुमार नाम है। और वो हमारा जो प्रोसेस था, हम लोग यहाँ पता चला हमको हिल क्या सी नाम था उसे थाना का, हिलगंज थाना, वहाँ पे पता चला। वहाँ से फ़ोन आया हमारे थाना में, फिर थाना वाले हम लोग के पास फ़ोन किए, तो फिर हम लोग हिलगंज थाना गए। फिर वहाँ हिलगंज थाना से हम लोग सब प्रोसेस कर दिया कि हमने मेरा बच्चा है और ये हम उनके पिता हैं, परिवार हैं, जो हमारा बच्चा को छोड़ा जाए। तो ये इन लोगों ने कागज़ पत्र बना कर फिर CWC में ये कर दिए, पोस्ट कर दिए। और हम लोग को पता भी नहीं चला कि ये CWC में भेज रहे हैं कि कहाँ भेज रहे हैं। चुपचाप बोले कि मेरे घर, मेरे गाड़ी के पीछे पीछे आइए, फिर और वहाँ चलिए।
आपका वहाँ से बच्चा मिल जाएगा। फिर यहाँ आने के बाद पूरा प्रोसेस होने लगा कि नहीं आपको बच्चा नहीं मिलेगा, जो आप पटना जाइए, पटना से फिर भी हम बहुत डॉक्यूमेंट लिए हुए थे, अपना आधार कार्ड ये सब जो भी होता है बच्चे का, हम अपना घर का जो भी है वो सब सामान लिए हुए थे, कागज़ लिए हुए थे, और जो थाना में मेरा FIR हुआ था वो भी हम लिए हुए थे। तो फिर ये क्या हुआ कि ये आदमी प्रोसेस करने के बाद भी फिर ये नहीं दिए, तो फिर हम लोग चले गए फिर पटना CWC से हम लोग ये करवाएँ, कागज़ बनवा के यहाँ मेल करवाए हैं, और मेल करवा दिए शुक्रवार को ही, और यहाँ शुक्रवार को ही आया भी गया था, मतलब वहाँ मैं ऑफिस में बैठ कर ही वहाँ मैंने मेल करवाया था। तो ये मेल करवाने के बाद फिर ये क्या हुआ कि यहाँ जब मैं आया यहाँ पे संडे को आया, आ नहीं पाया कि संडे को दुकान ऑफिस बंद रहता है कि ये लोग काम करेगा नहीं, क्योंकि खुला हुआ दिन में तो करते नहीं हैं काम, तो बंद में क्या काम करेंगे। इसलिए हम फिर उसके बाद हम अपना यहाँ आए हैं सोमवार को, तो 10 बजे से बैठे बैठे अभी 1-2 बज रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रोसेसिंग मेरा नहीं हुआ है। हम लोग बाहर से आए हैं सर, और कोई वो हम मेरा भतीजा है सर। एर मध्य हिंगलगंज एक चाय दोकान एक बच्चा ऐले चा खेते जाए, से 500 টাকার एक नोट दे 10 টাকার চা বিস্কুট খে, দোকানদার তাকে খুঁজে দিতে বললে সে আরেকটা 500 টাকার নোট দেয়, তারপর তাকে জিজ্ঞেস করে এলাকার লোকরা কোনো উত্তর পায় না কোথায় বাড়ি, ছবি তুলে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করে, তারপরে জানা যায় ছেলেটা পকেটে 21,000 টাকা আছে। তারপর আমাদেরকে ওখানকার স্থানীয় লোকেরা খবর দেয়, যেহেতু বাচ্চারা বধির কথা বলতে পারে না তাই আমরা হিঙ্গলগঞ্জ থানায় নিয়ে যেতে বলি, দ্রুততার সাথে সেখানে নিয়ে যায়, টাকা পয়সা থানায় জমা রেখে বাচ্চাটিকে ওখানেই রাখা হয়। তারপর আমি SDO সাহেবকে জানাই এবং তার বাড়ির লোককে খোঁজা শুরু করি, পাটনায় তার বাড়ির লোকের হদিশ পাই, পাটনা হ্যাম রেডিওর ডক্টর শ্রবণ কুমার সিং তিনি আমাদের তার বাড়ির হদিশ দেন, তার বাড়ির লোকেদেরকে এখানে আনা হয়, কিন্তু আইনি জটিলতায় বাচ্চাটাকে হোমে পাঠানো হয়। আজ CWC চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ইত্যাদি জায়গা থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পর পাটনা থেকে এখানে আমাদের বারাসাত CWC-র কাছে চিঠি আসে, আজকে তার বাড়ির লোকেরা বাচ্চাটিকে নিতে এসছে, বাচ্চাটি আজকে ফিরে যাবে। আমরা খুব আনন্দিত যে বাচ্চাটি তার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে। আমার নাম অম্বরীশ নাগবিশ্বাস, সম্পাদক ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাব। কি এখনো ভাবছেন কোথায় যাব, কোথায় থাকব, মনির মতো বাড়ি কোথায় পাব? হ্যাঁ ঠিকই ভেবেছেন, মনির মতো বাড়ি পেতে আজই আসুন লোকনাথ কমপ্লেক্সে। কাঁপা বনগা রোড সংলগ্ন কাঁপা চাকলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের নিকটে নতুন আবাসন লোকনাথ কমপ্লেক্স। লোকনাথ কমপ্লেক্সে আছে বেসমেন্টে গাড়ি রাখার সুবিধে, গ্রাউন্ড এবং ফার্স্ট ফ্লোরে থাকবে মার্কেট কমপ্লেক্স এবং প্রচুর 2BHK ও 3BHK ফ্ল্যাট। তাই আর দেরি না করে আজই চটপট বুকিং করুন লোকনাথ কমপ্লেক্সে। ফোন নম্বর 7890-726878 এবং আপনারা কল করতে পারেন আরো একটি নম্বরে 9831-91-9515। এই নম্বরে